चलिए देखिए क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी आपका चैप्टर 5 चल रहा है, स्टार्ट है मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट। जो चैप्टर 4 खत्म हो गए, 5 चल रहे हैं, पुष्पी पादपों की आकार की क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा दिया गया है, ये अगला टॉपिक आपका है पार्ट 3 का है, टॉपिक ऑन पार्ट ऑफ ए फ्लावर, पुष्पों के भाग। सबसे पहले देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं। आप जानते हैं कि एक मैंने फ्लावर लिया, पुष्प लिया, तो पुष्प में ये सबसे नीचे कैलक्स आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैलक्स, जिसे हम हरा वाला भाग होता है, ग्रीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलक्स कहते हैं। इसे बाह्य दल भी कहा जाता है, अनबाह्य दल। दूसरा आपका क्या है, जो ये रंगीन वाला पार्ट होता है, आप देख रहे हैं ये रंगीन पार्ट है पुष्पों का, ये कलर पार्ट होता है, तो इसका नाम क्या है? करोला, करोला। फिर इसके बाद एक बीच में ऐसे फूला हुआ भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? गाइनो सीएम। और इसके ऊपर एक और संरचना गया है जो तुम्बाकार बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रो सीएम। तो आपके पुष्प के 4 मेन भाग निकल गए, कैलक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसे हम हिंदी में पुमंग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ये आपका पुमंग है और बीच में आपका क्या है? जायांग। और ये आपका करोला है और ये आपका अनबाह्य दल है। तो 4 भाग मेन पार्ट होते हैं। कोई भी पुष्प को जब हम लेते हैं तो कितने भाग निकलते हैं? 4 भाग। ये फिगर ए का, फिगर ए का भी ये भाग आपका निकाला गया है अलग से, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको कैलक्स। और ये जो भाग निकाला गया है इसका नाम क्या है? करोला। ये आपका जो निकाला गया ऊपर से तोड़ करके, इसका नाम है एंड्रो सीएम। और ये बीच वाला भाग है आपका, इसे हम कहते हैं गाइनो सीएम। तो टाइप्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर 4 भाग होते हैं। कितने भाग निकले? 4 भाग। पार्ट्स, पहला आप देखिए कैलक्स, दूसरा करोला था, तीसरा आपका एंड्रो सीएम था, चौथा आपका गाइनो सीएम। अब चारों भाग का डिस्क्राइब देखिए। जो कैलक्स होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। कैसा पार्ट? ग्रीन पार्ट होता है, हरा होता है। इसका वर्क क्या है? द वर्क ऑफ कैलक्स इन द बेस ऑफ करोला एंड फ्लावर, ये
कैलक्स जो होता है ये पुष्प का आधार बनाता है, अर्थात ये एक प्रकार का बेस आधार बनाता है, आधार होता है, सभी को रोके रहने का कार्य करता है कैलक्स। करोला वाला जो भाग होता है जिसे हम करोला कहते हैं, ये प्रायः कलर होते हैं, ये प्रायः रंगीन होते हैं, लाल भी होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, व्हाइट होते हैं, अदर कलर भी होते हैं। क्यों होते हैं करोला वाले पार्ट रंगीन? क्योंकि ये इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात इसमें वर्णी लोह पाया जाता है, जिसके कारण करोला वाला पार्ट रंगीन होता है, कलर होता है। ये विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है करोला। अब क्यों आकर्षित करता है, आकर्षित करने का कार्य करोला क्यों करता है? क्योंकि पुष्पों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन क्रिया होता है, वो परपरागण के द्वारा होता है, प्राकणों के द्वारा होता है। इसलिए जब कीट आकर के इस पर बैठेंगे तो इसमें से जो प्राकण होगा उनके शरीर पर, बॉडी पर, उनके पंख पर, टांग पर चिपक जाएंगे, और दूसरे वाले पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो वहां छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर्स हो जाता है। इस तरीके से करोला अपना कार्य वर्क करता है। एंड्रोसियम आप जानते हैं ऊपरी वाला भाग होता है एंड्रोसियम, जो स्टेमेन का काम करता है, पुंकेसर का कार्य करता है। इसी में जो है प्राकण के अवशेष पाए जाते हैं एंड्रोसियम में, जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं। गाइनोसियम, गाइनोसियम में ये आपका जायांग है, अर्थात फीमेल का भाग होता है, जिसमें ओव्यूल होता है, अंडाशय होता है, और अंडाशय में सीड्स का निर्माण होता है। तो ये आपके हो गए गाइनोसियम। इस तरीके से कैलक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पुष्पों के जो चार भाग होते हैं, वो चारों भाग आपको डिवाइड करके यहाँ पर दिखाया गया है, ये चार भाग। और अब हम आगे इसके बाद फलों के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब पुष्प में फर्टिलाइजर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद ही किसका निर्माण होगा, निषेचन क्रिया के बाद किसका निर्माण होगा, निषेचन क्रिया के बाद आप जानते हैं कि फल का निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। और जब फ्रूट बन जाते हैं तो फ्रूट के बाद किसका निर्माण होता है, सीड्स का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इस तरीके से हम एक क्रमबद्ध के तरीके से चलते रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के चार भाग होते हैं। कौन कौन भाग? कैलक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। यही चारों क्या होते हैं, मेन भाग होते हैं। आगे चल करके कैलक्स को आप व्यक्त करते हैं सी से, या के से व्यक्त कर देंगे कैलक्स, फिर करोला सी से, फिर एंड्रोसियम ए से, गाइनोसियम जी से। इस तरीके से ये आगे चलकर इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है, इनको प्रदर्शित किया जाता है। और अब आगे आपको फ्रूट के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।